ज्यादा तानाशाही है। आज जब इनको मैं सुबह कॉल किया और कहा सर मैं संतोष कुमार, कोरोना काल में एक दिन भी पढ़ाई जब हुआ ही नहीं, और ये प्रिंसिपल जो है बहुत चीज का लीजिएगा। अरे हमारा छात्र छात्रा भाई बहनों पर शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे हमारे छात्र छात्रा भाई बहनों पर शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे स्कूल के बैनर लगा के गेट के सामने हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज हमारे बरौनी के छात्र छात्रा भाई बहनों के साथ अत्याचार शोषण और उस पे बहुत ही कठिनाई का इनके द्वारा प्रिंसिपल का कहना है कि तुम खून बेच के भी लाओ मगर हमें रुपया चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा जो दिया गया था, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार में लेटर दिया था कि कोरोना काल का एक रुपया भी फीस कोई भी स्कूल नहीं लेगा छात्र छात्रों का, मगर ये संजूस स्कूल के प्रिंसिपल ऐसा भ्रष्टाचारी ऐसा शोषण करने वाले हैं, ये कहते हैं हमारे छात्र छात्रा भाई बहन और उनके गार्जियन समाज के छात्र छात्रों पर अत्याचार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप खून बेच के लाइए या आप अपना घर बेच के दीजिए, जमीन बेच के दीजिए, आपको रुपया देना होगा। तो ये मैं प्रिंसिपल को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा आपका ये जो अत्याचारी जो दोहरापन है ये नहीं चलेगा, और इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आगे उग्र आंदोलन चलेगा अगर आज इस पर समाधान नहीं होता है। और हम कहना चाहेंगे ये प्रिंसिपल को समझना चाहिए कि जहाँ कोरोना काल में बहुत सारे गार्जियन को नौकरी छूट गया, खाने तक भूखमरी है, रुपया 1000-2000 रुपया तक पास नहीं है, और ये प्रिंसिपल कहते हैं कि साल का 65-65 हजार रुपया रसीद काट कर हमारे छात्र छात्रा भाई बहन उनके गार्जियन को दे दिया जाता है, और ये कहते हैं कि आपको रुपया देना होगा या आप जमीन बेच के दीजिए या घर बेच के दीजिए या खून बेच के दीजिए। तो इसी पर प्रिंसिपल को हम सबक सिखाना जानते हैं, और ये जल्द से जल्द हमारे छात्र भाई बहनों को फीस माफ करे, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का चलेगा। जिला मीडिया प्रभारी बेगूसराय ध्रुव कुमार। एक मिनट, हेलो, प्रिंसिपल का क्या नाम है? प्रिंसिपल का नाम है संतोष कुमार, संतोष पांडे, और ये प्रिंसिपल जो है बहुत ज्यादा तानाशाही हैं। आज जब इनको मैं सुबह कॉल किया और कहा सर जब कोरोना काल में एक दिन भी पढ़ाई जब हुआ ही नहीं तो आप फीस किस चीज का लीजिएगा? फीस माफ करना होगा। अरे छात्र हित का हनन हुआ तो खून बह।